अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम ग्वादर जायदाद। ग्वादर का नया मास्टर प्लान आने के बाद हमने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई, और जैसे कि हमें पता है कि लैंड को जो प्लान्ड एरिया है उसमें डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। यूजेज के अतबार से इसको कैटेगराइज किया गया है कि इंडस्ट्रियल जोन्स कौन से हैं, रेजिडेंशियल जोन्स कौन से हैं, कमर्शियल जोन्स कौन से हैं, डिफरेंट मतलब जोन्स हैं। तो इसमें जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो तीन किस्म के हैं, कैटेगरी M0 है, M1 है एंड देन M2 है। तो हमारे अक्सर कस्टमर्स जिन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनका भी क्वेश्चन है, और बहुत सी दूसरी क्यूरीज भी हैं कि इन जोन्स में लैंड का जो यूजेज है वो किन इंडस्ट्रीज को के लिए किया जाएगा, कौन सी इंडस्ट्रीज कौन से जोन्स में लगाई जाएंगी। और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्रीज़ वहाँ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ग्वादर में, कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ किस जोन में जो हैं फॉल करेंगी और इस एतबार से जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू दूँ कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं इनके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आप लगा सकते हैं, और कौन सी इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म हैं और कौन सी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म हैं। ग्वादर का नया मास्टर प्लान आप देख सकते हैं, इस टाइम ओपन है। इसमें जितना ब्राउन एरिया आ रहा है, ये तमाम ब्राउन एरिया ये सब इंडस्ट्रियल जोन है। इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैटेगरी, इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरी M1 आप देख सकते हैं, ये इतने ब्लॉक्स हैं, ये कैटेगरी M1 के ब्लॉक्स हैं। फिर इसमें कुछ ब्लॉक्स कैटेगरी M0 भी आ रही है, इफ़ यू कैन सी M0, ये तमाम कैटेगरी M0 के ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉक कैटेगरी M0 के यहाँ भी फॉल कर रहे हैं। M1 कैटेगरी ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे साइड पे भी आती है, ये आप देख सकते हैं, ये भी तमाम कैटेगरी M1 के ब्लॉक्स हैं इसके अंदर है। ये M1, ये तमाम M1 के ब्लॉक्स हैं। फिर इसके बाद फर्दर अगर हम ईस्ट साइड पे जाएं तो ये जीडा के ऑपोजिट जो है कैटेगरी M2 आ रही है मोस्टली। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं, इनके डिफरेंट कैटेगरीज के मौजाजात भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो डिफरेंट मौजाजात हैं इनकी बाउंड्रीज यहाँ नहीं बनी हुई, तो दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया के तकरीबन कौन कौन से मौजाते हैं। तो कारवाड़ शुमाली, दरबेला शुमाली, ज़्यारत मच्छी शर्की, ज़्यारत मच्छी गरबी, मोस्टली इन एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्रियल जोन फॉल कर रहा है। अब हम देखते हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स हैं कौन से। सबसे पहले कैटेगरी M1 को डिस्कस करते हैं, सबसे ज़्यादा एरिया कैटेगरी M1 कवर कर रही है इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, और जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट के लेफ्ट साइड पर भी आ रही है और एयरपोर्ट के राइट साइड पर भी आ रही है। कैटेगरी M1 शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ शॉर्ट टर्म में 2025 से पहले ना सिर्फ डेवलपमेंट का काम भी होगा बल्कि इंडस्ट्रीज़ भी इंस्टॉल की जाएंगी। इसके अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी जो लेबर इंटेंसिव होंगी, जिसमें फूड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्वादर की फिशरीज़ जो है, जो इसमें डिफरेंट जेटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, फ़िशरीज़ से रिलेटेड इंडस्ट्रीज इसमें बनाई जाएंगी, और जिसमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें लेबर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस में, मतलब हर इंडस्ट्री की कॉस्टिंग होती है, हर बिज़नेस की एक कॉस्टिंग होती है, तो जो कॉस्ट का मेजर पोर्शन है जिन इंडस्ट्रीज़ में वो लेबर को जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, वो इंडस्ट्रीज़ इधर लगाई जाएंगी। मैं थोड़ा सा इन इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें फ़ूड आइटम्स आ जाती हैं, फ़ूड की मैन्युफैक्चरिंग है, फ़ूड आइटम्स की प्रोसेसिंग है, जिसमें ग्रॉसरी आइटम्स आ जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इस तरह की आइटम्स हैं, यानी फ़ास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो डेली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, खाने पीने से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें यहाँ बनाई भी जाएंगी, उनकी प्रोसेसिंग भी होगी। प्रोसेसिंग में ग्वादर की जो एग्रीकल्चर है, जिसमें आपके खजूर के दरख्त आ जाते हैं, नारियल के दरख्त आ जाते हैं, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई जाएंगी। इसके अलावा फ़िशरीज़ ग्वादर की एक बहुत बड़ी पहचान है अभी तक, मोस्टली ग्वादर पहले माहीगीरों की बस्ती होती थी,
तो अब फिशरीज को भी यहाँ जो है उसकी प्रोसेसिंग है, उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी, फिशरीज़ को प्रिजर्व करना, उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ इधर बनाई जाएंगी और डिफरेंट फिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। ये कैटेगरी M1 के बारे में मैं आपको तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरी एक इसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, जिसमें फाइबर्स एंड फैब्रिक्स यानी धागा और कपड़ा, इन दोनों की डिज़ाइन है, इनकी प्रोडक्शन है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ लगाई जाएंगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आ जाती हैं, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली आती हैं, घरों के अंदर उनकी असेंबली होगी, चाइना से इधर मोस्टली माल आया करेगा, डिफरेंट कंपनीज यहाँ लगेंगी और असेंबली जो है यहाँ हुआ करेगी, मतलब लेबर से रिलेटेड जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल हो और मकामी लोगों को बेसिक ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, ऐसी मतलब इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर्स हैं, कैमराज हैं, कैलकुलेटर्स हैं, इसके अलावा आप होम अप्लाइंसेस की आइटम्स आ जाती हैं, इन सब की मोस्टली असेंबली होगी, मतलब बने बनाए पार्ट्स आएंगे और यहाँ उनको असेंबल किया जाएगा और उसके बाद डिफरेंट जो है पाकिस्तान के हिस्सों में भेज दिया जाएगा। तो इसके अलावा चाइना यहाँ से ही माल लेके दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में भी एक्सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। सो बेसिकली इसमें फूड आइटम्स आ गई, आपकी फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है सारी, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, फिशरीज से रिलेटेड है और ये तमाम की तमाम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। ये कैटेगरी M1 में फॉल करती हैं और ये शॉर्ट टर्म प्लान का हिस्सा हैं, 2025 से पहले इंशाल्लाह इन एरियाज़ के अंदर ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी M2 को। कैटेगरी M2 के लिए जो एरिया है वो ईस्ट साइड ऑफ ग्वादर ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेट किया गया है। कैटेगरी M2 आई वुड से इट्स बिट लॉन्ग टर्म, इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी यहाँ जीडा मौजूद है और यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो शॉर्ट टर्म में हैवी इंडस्ट्रीज़ मोस्ट प्रॉबली जीडा के अंदर ही लगाई जाएंगी। उसके अलावा जब इंडस्ट्रियल जोन हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए मज़ीद इंडस्ट्रियल एरिया रिक्वायर्ड होगा तो फिर इन एरियाज़ को यूज़ किया जाएगा। हैवी इंडस्ट्रीज़ में शिप बिल्डिंग आ जाएगी, स्टील से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, केमिकल्स आ जाते हैं, मशीनरी प्रोडक्शन आ जाती है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स आपके आ जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं इधर लगाई जाएंगी। तो द वे आई लुक एट इट, जितना मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग ऑन दिस एंड मे बी के फ्यूचर में जैसे जैसे ग्वादर में डेवलपमेंट बढ़े तो ये टाइम फ्रेम जो है ये फ्लेक्सिबल है, इसमें चेंजेस आ जाएं, मे बी शॉर्ट टर्म में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन लगता है ऐसे है कि थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, जिन जिन लोगों ने यहाँ की हुई है या जो करना चाह रहे हैं। मोजा कारवार्ड शुमाली बनता है ये, ठीक है, जीडा के ऊपर। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी M0 को, जो हाई टेक इंडस्ट्रियल लैंड है। लोकेशन के एतबार से ये भी बहुत अच्छे मौजाजात में फॉल कर रही है, जिसमें ज़्यारत मच्छी शर्की और गर्बी आ रहे हैं मोस्टली। ये कैटेगरी M0 हाई टेक इंडस्ट्रियल लैंड ये है क्या, बेसिकली इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कंपनीज़ की एग्जांपल दे के वाजे कर देता हूँ मैं कि हाई टेक इंडस्ट्रीज़ किस टाइप की होती हैं। इसमें रिसर्च एंड डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी आ जाती हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, सैमसंग है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनके अंदर कुछ एरियाज़ जो हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट डिज़ाइन क्रिएटिविटी इन चीज़ों के साथ जुड़े हैं और कुछ एरियाज़ जो हैं मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग के साथ जुड़े हैं। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ इन एरियाज़ में लगाई जाएंगी। इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि शॉर्ट टर्म में भी इन इंडस्ट्रीज़ को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन लगता है ऐसे कि मे बी ये लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर ही शामिल हो, क्योंकि पहले फेज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्वादर की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना है, उन्हें उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आने हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आने हैं, जो कि कैटेगरी M1 से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, किस टाइप की यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, कौन सी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं और कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं।
अब आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।